तो हमने मिट्टी का हॉटपॉट बनाया हुआ है, ये हमारा मिट्टी का हॉटपॉट है जो आजकल हमने जदीद तौर पर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले हम हांडी बनाते थे, हांडी बनाने के बाद हमने ये हॉटपॉट यूज़ किया, माशाल्लाह ये लोग अब पहले से ज़्यादा यूज़ इसको कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट जानी एंड यू आर वाचिंग रमजान वाइस। आज यहाँ मैं एक बहुत अमेजिंग मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन दिखाए जाएंगे, मिट्टी के हॉटपॉट्स दिखाए जाएंगे, मिट्टी की कढ़ाई दिखाई जाएगी, मिट्टी के कूलर तक आपको दिखाए जाएंगे। बड़ी अमेजिंग वैरायटी है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, आप यहाँ से विजिट करके ले सकते हैं। और यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो में, आपने वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। और इससे पहले अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो थम्सअप करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे होकर मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। मिट्टी के बर्तनों की जो शॉप है उसके ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, अली रज़ा इनका नाम है। इनसे पहले दुआ सलाम करते हैं और फिर मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली रज़ा साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का एहसान है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपकी खैरियत जानकर। सर सबसे पहले जो अमेजिंग वैरायटी मुझे यहाँ पे लगी है हॉट पॉट में देखना चाहूँगा, हमने स्टील के भी देखे मुझे बड़ा अमेजिंग लगा और प्लास्टिक के हम देखते हैं हॉट पॉट, लेकिन आज हम आपको मिट्टी के हॉट पॉट दिखाने लगे हैं और उनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सर सबसे पहले हमें हॉट पॉट दिखाएं। ये हमारा हॉट पॉट है भैया, जो हमने मिट्टी का हॉट पॉट बनाया हुआ है, ये हमारा मिट्टी का हॉट पॉट है जो आजकल हमने जदीद तौर पर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले हम हांडी बनाते थे, हांडी बनाने के बाद हमने ये हॉट पॉट यूज़ किया, माशाल्लाह ये लोग अब पहले से ज़्यादा यूज़ इसको कर रहे हैं। माशाल्लाह ये मिट्टी का हॉट पॉट है जनाब, स्टील का देखा होगा, प्लास्टिक का देखा होगा, लेकिन ये हम आपको मिट्टी का हॉट पॉट दिखा रहे हैं। और इसकी क्या कीमत है? सिर्फ नॉर्मल कीमत रखी हुई, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, 550 कीमत रखी हुई है। कोई आए यहाँ पे प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी? हाँ, थोड़ी बहुत गुंजाइश शुरू करते हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हॉट पॉट हो गए, इसमें बड़ा साइज भी होता है? हाँ जी, बड़े साइज भी होते हैं, बड़ा भी हो गया, छोटा भी हो गया, मीडियम भी। हाँ जी, तीनों साइज बड़े हुए हैं, 1, 2, 3 साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सारे बड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये तीनों साइज हैं, ये हॉट पॉट में है। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है, ये नीचे कूलर पड़े हैं सर, ये कूलर मिट्टी के हैं? जी मिट्टी के हैं। अच्छा वेरी गुड, ये कूलर भी मिट्टी के हैं, आयरन के कूलर और प्लास्टिक रबड़ के कूलर तो आपने देखे होंगे। ये देखें माशाल्लाह हम आपको मिट्टी का कूलर दिखा रहे हैं। सर इनको एक्सप्लेन करें थोड़ा, ये वाला कूलर जो है, ये वाला कूलर जो 350 रुपये का है, ये तकरीबन 6 लीटर का है। जो 10 लीटर का है वो आपका आता है 450 रुपये का, जो आता है नाम के 18 लीटर का वो होता है 650 रुपये का। इसको थोड़ा सा उठा कर दिखा दें, इसकी टूटी वगैरह सारी ठीक है। ये ढक्कन भी है इसके ऊपर, नाजरीन देखें, ये देखें ये इसका कूलर है, ठीक है, और ये कूलर के ऊपर इसके ऊपर ढक्कन आ जाता है। वेरी गुड, और यकीन करें मिट्टी का बर्तन है, हमारे नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को यूज़ करते थे, सुन्नत है। इसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं, पानी पीते हैं, तो यकीन माने सुन्नत को आप फॉलो करते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इससे बीमारियाँ भी नहीं लगती। और आजकल जो शहरी लोग हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा घड़े भी हैं हमारे पास? हाँ घड़े भी हैं, घड़े से ज़्यादा अब ज़्यादा जो है कूलर चलता है, घड़े से ज्यादा कूलर चलता है, वो जमाना गया जब घड़ा चलता था। बढ़िया, ये भी हॉट पॉट है? ये हांडी है। अच्छा ये हांडी दिखा दे, थोड़ी अमेजिंग लग रही है मुझे। ये माशाल्लाह हांडी देखें, ठीक है, ये अपनी हांडी चलती है माशाल्लाह। इसकी क्या प्राइस है? ये 350 रुपये की है। अच्छा कुछ मेरी माएँ कुछ बहनें ये सोच रही होंगी कि हमारे यहाँ गैस है, गैस के ऊपर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये फट तो नहीं जाएगी? नहीं कोई मसला नहीं होता माशाल्लाह, अब तो वो पहले वाला दौर खत्म हो गया, अब पहले चीज़ें बेहतर कर दी हुई हैं, आगे चीज़ मुझे वही बेस जो है बेहतर वाली लगा रहे हैं, उससे मसला नहीं बनता अब। वेरी गुड, पहले हमें ये होता था कि भी हम मिट्टी के बर्तन को अगर वहाँ पे गैस पे रखते हैं तो फट जाएगी, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि भी जो हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कि इसकी जो नीचे प्लेट रखी हुई है, इसकी जो बेस है वो अच्छे तरीके से बनाई है, इसको अब अगर आप गैस पर भी रखते हैं हल्की आँच पर तो ये कहीं नहीं जाएगी। और यकीन करें ये जो हांडी है इस पे जो आप चीज़ पकाएंगे उसका अपना ही जायका। और इसके अलावा और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सर मौजूद हैं? तो इसमें प्याला भी होता है, ग्लास भी होता है, प्लेट भी होती है, काफ़ी चीज़ें पर्पज के यूज़ करें, जैसा अभी ये कुन्ना चाटी चल रही है, बिल्कुल ये कुन्ने के लिए चला रहे हैं हम, ये कुन्ना चाटी है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा इन कर रहे हैं, जो शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, अक्सर आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, आजकल लोग चाय के लिए कप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिट्टी का काम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मिट्टी का जो कप है और गिलास है वो भी हमें दिखा दें और उसकी कीमत भी बता दें। तंदूरी चाय चल रही है, वो वाली तंदूरी चाय चल रही है, देखिए तंदूरी चाय, आजकल तंदूरी चाय का बहुत मॉडर्न दौर आ चुका है, लोग इस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे तंदूरी चाय है जी, 150 रुपए का कप मिल रहा है, 150 का मिल रहा है। हाँ जी यही चीज़ है। अच्छा ये कितने का है सर? ओनली 50 रुपीज का, 15 रुपए का, 15 रुपए का बस। वेरी गुड यार, 15 रुपए का कप है, ये तो घर में खास रखो ना आप इस चीज़ को, देखो ये चीज़ है। अच्छा इसके अलावा गिलास भी है जी, मिट्टी गिलास भी है, गिलास भी दिखाएं, मिट्टी गिलास ये देखें,
ये मिट्टी का गिलास है, ये सिर्फ 30 रुपये का है। ये 30 रुपये का, वेरी गुड, ठीक है, ये 30 रुपये का हो गया। और इसके अलावा भी छोटी छोटी काफ़ी प्रोडक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जग भी बनता है उसमें, आपके काफ़ी चीज़ें हैं, प्लेटें भी हैं, प्यालियाँ भी हैं, हर चीज़ मिलती है। जग भी है, हाँ मिट्टी का जग भी है, ये देखें ये मिट्टी का जग है माशाल्लाह, ये देखें मिट्टी का जग देखें। ये अगर आप इसमें पानी भर के अपने ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, अपने टीवी लाउंज में रख लेते हैं, तो आने वाला गेस्ट इस चीज़ से पानी पिएगा तो यकीन माने बड़ा इंप्रेस होता है बंदा। ये नायाब चीज़ें हैं, मिलती नहीं है कहीं से। और ये जग की प्राइस कितनी है? सिर्फ ओनली 200, सिर्फ ओनली 200, 175 रुपये। हाँ जी, वेरी गुड, 175 रुपये का जग और 20-30 रुपये का गिलास मिल रहा है। और इसके अलावा प्लेटें भी यहाँ से मिल जाएंगी, घड़े भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा इस साइड पे गुलदस्ते लगे हुए हैं, उनके रेट बता दें। हाँ जी, गुलदस्ते मुनासिब रेंज में है, कोई 500 में है, कोई 600 में है, कोई 150 में भी, कोई 200 में भी है, डिपेंड करते चीज़ पे। हाँ जी, चीज़ की कैटेगरी के लिहाज करते हैं। आप टीवी लाउंज में लगा सकते हैं, डाइनिंग रूम में लगा सकते हैं, लॉबी में, हर चीज़ पड़ी हुई है हमारे पास। वेरी गुड। अच्छा, ये जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, इसके अलावा इनके पास छोटे बच्चों के जो जानवर होते हैं जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, मिट्टी से बने हुए, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जो आप इनके साथ बारगेनिंग जब करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे भी सही, जो आप इनके साथ जब बारगेनिंग करेंगे तो ख़रीदेंगे। और अब मैं इनसे इनकी शॉप का एड्रेस पूछता हूँ ताकि आप लोग फिजिकली भी विज़िट कर सकते हैं, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछेंगे ताकि आप लोग उस फ़ोन पर रबता करके रास्ता पूछ सकें और आपको दुश्वारी ना हो। सर, आप अपनी शॉप का एड्रेस तो बता दें। ये शॉप जो है ना कैंप जेल के सामने, शमा चौक है, शमा चौक के सामने जो है ये सामने कैंप जेल है, कैंप जेल के बिल्कुल अपोजिट दुकान है ये वाली। दुकान का नाम क्या है? ये मोहम्मद यूसुफ के नाम से है। मोहम्मद यूसुफ के नाम से दुकान है, फिरोजपुर रोड मेन के ऊपर दुकान है, सामने मेट्रो है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं सर। और आप अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर दें। हाँ जी, 03244106520। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो थम्स अप करके वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी किसी का फायदा हो सके। और इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।